देखो ये कल मैंने बनाया था, जो आप लोगों को मैंने दिखाया भी था बनाते हुए भी, तो जो कि ये काजू और मेलन सीड का बना हुआ है, और जिसमें मैंने कुछ भी इतना ज़्यादा तामझाम करके नहीं डाला है, थोड़ा सा बटर डाला है और काजू और मेलन सीड का जो पेस्ट था है ना, उसी से मैंने देखो एक बर्फ़ी तैयार की है। और देखो कितनी अच्छी बनी है, और देखो कितना ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है। और इतना ज़्यादा भी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, जो कि मतलब आप लोग ये बोल सको कि हम लोग अरेंज नहीं कर पाएंगे और हम लोग ले नहीं पाएंगे, है ना। तो देखिए इस तरीके से देखो कट भी रही है बड़े मज़े से, और आप क्यों खाएंगे बाहर की मिठाई वगैरह या कुछ भी, तो आप अपने घर में क्यों नहीं बना सकते, है ना। तो अपने घर में बनाइए है ना, और आराम से वो करिए। मैंने वीडियो पहले से ही बना रखा है, तो मैंने ये सोचा कि ये भी दिखा देती हूँ कि मैंने इसको फ्रिज में रखा था ओवरनाइट ऐसे ही, तो जस्ट अभी मैं कटिंग करने लगी थी। और किस तरीके से बनाया है वो तो मैंने पूरा वीडियो डाला ही है आप लोगों के सामने, ये किस तरीके से मैंने इसको रेडी किया था। और इतना ज़्यादा भी मैंने कुछ भी नहीं डाला है इसमें, सिर्फ एक सूजी डाली है, सूजी को थोड़ा सा भून के बस। और क्योंकि क्या है ना कि कई बार घर में बहुत थोड़ा सा सामान होता है, और आप कुछ ऐसा बना के खाना वो करते हैं, कभी कभी मीठा खाना पसंद हो जाता है ना, तो मतलब कि इतना ज़्यादा भी वो करके अगर आप बनाएंगे तो खा भी नहीं पाएंगे, तो गर्मी है ना, तो गर्मी के टाइम पे इतना जल्दी खा नहीं सकते हैं ना, तो इसलिए फिर मैंने बहुत कम उसमें सामान के साथ और बहुत कम चीज़ों के साथ इसको रेडी कर लिया। तो कल जैसे बनाया था और ऐसे ही थोड़ा देर चिल्ड होने के बाद अभी ने थोड़ा सा खाया, तो बोलने लगे वाह ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है, मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोग मतलब कि अभी जैसे होता है ना कि पता नहीं कैसे हाइजीनिक तरीके से बनाया होगा या अनहाइजीनिक तरीके से बनाया होगा, है ना, तो ऐसे ही क्या अपने अपने हाथ से बनाएंगे तो आप लोग को पता ही चल जाएगा कि किस चीज़ से बनाया है और कैसे बनाया है और कितना बनाना है और कितना आपने क्या डालना है, क्योंकि हर कोई आजकल हेल्थ के मामले में बहुत ज़्यादा वो हो रहा है ना, कि कहीं कोई चीज़ ज़्यादा कोई चीज़ कम ऐसे ही हो करके। तो फिर थोड़ी चीज़ों से आप अपने घर में ही सब कुछ रेडी कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों है ना मतलब कि कहीं जाकर लेंगे और खाएंगे, तो आप अपने हाथ से भी तो बना सकते हैं ना, और अपने हाथ से बनी हुई चीज़ का एक अलग ही टेस्ट भी और एक अलग ही मज़ा भी है ना, तो इसलिए आप लोग भी बनाएं। और मैंने पहले से ही वीडियो बनाया है कल ही किस तरीके से मैंने बनाया था, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।